हे गाइस, ये जो SP125 2023 मॉडल का BS6 है, ठीक है, मतलब SP125 BS6 2023 मॉडल का गाड़ी है। हमने इसे ख़रीदा, एक्चुअली मेरे भाई को ख़रीद के दिया था, मैंने ही सजेस्ट किया था शोरूम का रिव्यू देख के, मतलब होंडा कंपनी वालों का रिव्यू देख के। बट मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे भाई तो अभी डेली मुझे गाली दे रहे हैं और साथ ही साथ मतलब दिमाग पूरा ख़राब हो चुका है। इस गाड़ी ने पूरा जीना ही हराम कर दिया, पूरा इतना पैसा बर्बाद। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो इसके कुछ कंडीशन है जो अच्छा भी है और कुछ ख़राब भी है। तो अगर आपको ख़राब वाला, मैं आपको पूरा प्रॉब्लम बता देता हूँ, मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ किसी शोरूम की तरफ से या कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जस्ट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मतलब जो हमने अभी फेस किया इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ इस गाड़ी का हमने कितना किलोमीटर चलाया। आइए दिखा देता हूँ मैं आपको अपना मीटर। ये देखिए, गाड़ी सिर्फ 1688 किलोमीटर भगा है। ये देखो, मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो सब बता रहा हूँ, ठीक है। मैं फ़ायदा भी इसका एक दो ही है, प्रॉब्लम ढेर सारा है, मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर देखिए ये जो बॉडी दिख रहा है, आवाज़ सुनो आप खाली, ये देखो और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो, ऑलरेडी ये गाड़ी हमने ख़रीदा कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मली इधर कुछ तो ऐसे ही हमने ख़रीदने के बाद अपना ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक स्क्रैच दिख रहा है, इधर देखो एक स्क्रैच दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद में ये जो है, ये प्लास्टिक है, इसका देखो फिटिंग, देखो इसका फिटिंग देखो कितना मतलब लूज है। ये देखो क्या है यार, ये भी देखो, ये मानता हूँ मैं, ये भी अच्छा, ये भी फाइबर ही है, पूरा बॉडी फाइबर है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये देखो ये जो इंजन है, सारे गाड़ियों का इंजन रहता है लोहा का, ये देखो फाइबर है भैया, प्लास्टिक का बना दिया है यार, क्या है। कलर तो दिखने में लोहा दिख रहा था, ये देखो क्या बोलूँ मैं आपको, ये देखो। तो बस इसका ये जो फिटिंग है, ये देखो फिटिंग तो दिखने में बहुत मस्त डिजाइन, ये देखो कैसा हिल रहा है, हाँ यही फिटिंग है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्या यार, फिटिंग की बोले तो क्वालिटी ये देखो एकदम कचड़ा है, ठीक है। देखो 10 दिन नहीं हुआ, 10 मतलब डेली 200-150 किलोमीटर भागना पड़ रहा है गाड़ी लेके, तो ये देखो 10-15 दिन में क्या हुआ गाड़ी चलाने के बाद में, यहाँ पर कलर उलर जा चुका है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उसकी टायर के बारे में, ठीक है। तो सामने की टायर तो फिर भी ठीक है, बट यहाँ का देखो 100 बार 80 और 18 है, और इसका 53P लगा है। बेसिकली इसका जो रियर टायर है, पीछे का टायर, वो कम से कम 56 होना चाहिए था, 56P, ठीक है, तभी थोड़ा कुछ हैवी लुक आता, हैवी मस्त आता था, ठीक है। अच्छा, इसका अभी मेन प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, इधर देखिए, ये देखिए ये साइड का भी जो फिटिंग है, ये बहुत कचड़ा है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो पूरा फाइबर है भैया, एकदम लो क्वालिटी फाइबर है, कहीं पर भी ये गाड़ी गिरेगा, कुछ भी होगा तो टक करके फूट जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं पर भी गिरेगा ये गाड़ी तो ये फट करके फूट जाएगा, जहाँ पर भी ये जो प्लास्टिक ये फाइबर से भी टच होगा वहाँ पर कट हो जाएगा, पूरा हार्ड प्लास्टिक है, मतलब दो पीस जैसा ग्लास होता है ना वैसे हो जाएगा। अब मैं आपको तीसरा चीज़ जो प्रॉब्लम दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो फ्रंट है ना, इसका जो हेड है, हेड का यहाँ पर भी फाइबर मिक्स है, और यहाँ पर बस स्टिकर है, ये जो है ना बहुत, ये देखो भाई मुझे डर लग रहा है, ठीक है, कोई निकल ना जाए, इतना लूज है यार, ये देखो ये क्या है। मतलब प्रॉब्लम तो हर गाड़ी में ऐसा फिटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इसके हर जगह पर यही मुझे फिटिंग बहुत कचड़ा लगा। दूसरा चीज़ क्या है, ये गाड़ी को देखो, ये जो इंजन है, ठीक है यार, मैंने खाली जस्ट थोड़ा सा अभी यहाँ से यहाँ गाड़ी को मूव किया, पूरा इंजन गर्म हो गया, ठीक है। अब क्या है ना, अगर आप 40 के ऊपर चलाओगी, ठीक है, इतना हीट होता है भाई, लगता है आपकी पाँव की चमड़ी ना निकल जाए गर्मी से, ठीक है। अगर आप 100 किलोमीटर 40 के हिसाब से भागा लोगे तो आपको गया ये गाड़ी बंद करना पड़ेगा, आपको मन में डर आ जाएगा, ये रहा गाड़ी, ठीक है। इंजन इतना हीट होता है, साइलेंसर तो पूछो मत, इतना हीट होता है, मैं अगर पानी लेता तो अभी पानी छोड़ता तो आपको समझ में आ जाता कि कितना ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूँ, ये गाड़ी का देखो देखो स्टिकर का साइड पे, मतलब वैसे ही कुछ, मतलब कलर ऐसे ही निकल रहा है जैसे स्क्रैच जैसा हो रहा है ऑटोमेटिकली। ये देखो यहाँ पे जो फाइबर की कलर है ना, ऐसे ही होता है, इसमें कोई पेंट रुकता नहीं है। ये देखो आप वीडियो को हाई क्वालिटी पे देखो, क्वालिटी एडजस्ट करके, तभी आपको समझ में आएगा ये वाला जो प्रॉब्लम है। अब देखो इस गाड़ी का मैं आपको अब फ़ायदा बता देता हूँ, ठीक है। फ़ायदा ये है इस गाड़ी का कि आपको माइलेज जो है ना, एवरेज 65 किलोमीटर आ जाएगा। कहीं पर भी चलाओ, गांव में शहर में कहीं पर भी चलाओ, एवरेज आपको 65 किलोमीटर आएगा। बस ये एक ही फायदा है, दूसरा गाड़ी इतना भाई लो, मतलब वेटलेस है, मैं क्या आपको लूँ, आपको गाड़ी लगता है कोई खिलौना है। और दूसरा चीज़ अगर उस गाड़ी का अगर पीछे दो आदमी बैठेंगे ना, अगर दो आदमी के साथ गाड़ी चला रहे हो तो भैया ये गाड़ी इतना ऐसा हिलता है, लगता है कंट्रोल से बाहर है। अगर हाँ आपके साथ में कोई पतला आदमी है तो चल जाएगा, बट दो मोटा आदमी इस गाड़ी से तो सपनों में भी मत सोचो, नहीं तो कुछ मतलब आपको चलाने में मज़ा ही नहीं आएगा।
अब रहा दूसरा प्रॉब्लम क्या है, देखो गाड़ी जब भी 40 50 मतलब 50 के ऊपर चलाते हैं तो गाड़ी ऐसा 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 हिलता है, लगता है ये गाड़ी कंट्रोल से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, अब मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी फ़ायदा ये रहा, खाली आपको माइलेज एक चीज़ मिलेगा जो एवरेज 65 किलोमीटर मिलेगा आपको पूरा 2-3 सर्विस के बाद में, और दूसरा चीज़ है और दूसरा कुछ फ़ायदा ही नहीं है, पूरा मतलब नुकसान ही नुकसान है। और तो ऐसा भी हो रहा था, ये जो इंजन है ये इंजन से दो नंबर दिन हमने जब गाड़ी लेके आया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आओ इधर देखो, ये देखो इधर कुछ टेप जैसा लगा है, ये देखो क्या भाई ये सब, गाड़ी लेके आया दो नंबर दिन, यहाँ से इंजन ऑयल लीकेज हो रहा था, ये जो है ना यहाँ से इंजन ऑयल लीकेज हो रहा था। फिर वो लोग शोरूम पे फ़ोन किया, उन लोगों ने बुलाया तो वहाँ पर कुछ पट्टी लगा के जैसे प्लम्बिंग का काम होता है ना ऐसे टेप लगा के, ये देखो मेरी उंगली में अभी भी ऑयल लग रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यही सब है ये गाड़ी का, मतलब गलती से भी अगर देखो, अगर आपके पास थोड़ा बजट अच्छा है तो आप दूसरा गाड़ी पे मूव करो। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा गाड़ी, आप तो मार्केट में पहले देख लो उसके बाद में गाड़ी में मूव करो, बट ये गाड़ी गलती से भी नहीं लेना भैया, ठीक है। एकदम फिटिंग तो लूज़ है और फ़ायदा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, एक ही फ़ायदा है भैया, खाली मतलब आपको माइलेज मिलेगा, एक किलोमीटर एक मतलब एक लीटर पेट्रोल डालोगी तो आप कम से कम 65 किलोमीटर भाग सकते हो, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है फिर भी ये लेना है माइलेज के लिए तो आप ले लो, बाकी चीज़ों के लिए भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और दूसरा चीज़ तो मैं आपको क्या बताऊँ, बाकी सारा चीज़ ओके है, मैं इतना मुझे टेक्निकली पता नहीं है अंदर की, बट मुझे एज ए नॉर्मल यूज़र जो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं फेस करते हैं हमें जो समझना चाहिए वो मैं आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी। बस वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले, और हाँ एक वीडियो एक लाइक तो जरूर करके कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं अगले कुछ इस तरह के वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू।